हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा। सो ट्रायंगल का टाइप्स लेंथ वाइज होता है और इंटरनल एंगल वाइज होता है। सो लेंथ वाइज आप देख रहे हो कि थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, आइसोस्केल्स एंड स्केलिन। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? सो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है कि जिसमें आपका ये तीनों साइड है ना, ये तीनों साइड, ये साइड, ये साइड एंड ये साइड, ये सब साइड इक्वल रहेगा। मतलब अगर ये ए, ये बी और ये सी हुआ तो क्या होगा, आपका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसमें क्या होगा, ये जो एंगल है ना, ये सब एंगल 60 डिग्री होगा। मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो बेसिक क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल का, क्या तीनों साइड्स है वो सेम रहेगा। नाउ कम टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो दोनों साइड है ना आपका, ये दोनों साइड आपका सेम रहेगा, ये साइड आपका डिफरेंट रहेगा। मतलब ये अगर ए, ये अगर बी, ये अगर सी हुआ ना, तो ये इसमें ए इक्वल टू बी रहेगा और सी का साइड लेंथ अलग रहेगा। मतलब ए इक्वल टू बी होगा बट सी नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू ए होगा। सो आइसोसेल्स में क्या होता है, ये दोनों साइड इक्वल रहता है। नाउ कमिंग टू स्केलिन ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो तीनों साइड होता है ना, ये तीनों साइड का लेंथ ही डिफरेंट होगा। मतलब अगर ये ए हुआ, ये बी हुआ, बी हुआ एंड ये सी हुआ ना, सो मतलब क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, किसी का भी लेंथ सेम नहीं होगा स्केलिन ट्रायंगल में। सो इक्विलैटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलिन, ये होता है लेंथ वाइज डिवीजन ट्रायंगल का। नाउ कमिंग टू इंटरनल एंगल वाइज डिवीजन। सो इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में क्या होता है, ये जो आपका एक एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। सो नाउ कमिंग टू एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट में क्या होगा, ये तीनों जो है ना एंगल, ये तीनों एंगल ही लेस देन 90 डिग्री होगा। मतलब कोई एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, वो होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ कमिंग टू ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। सपोज ये एंगल देखिए आप, सो ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये एंगल आपका, ये अगर ए हुआ तो ये एंगल बी हुआ तो ये सी हुआ ना, तो बी ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो ये होता है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। सो थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, लेंथ वाइज थ्री टाइप्स ऑफ एंड एंगल वाइज थ्री टाइप्स ऑफ। सो आप ये ठीक से याद रखिए, आपको ये बहुत काम आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रायंगल का कुछ और कुछ ट्रिक्स प्रॉब्लम लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।